राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे करने से पहले एक बार आप ये सारे फॉर्मूले देख लो और नोट कर लो, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी काम आ जाते हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लो वीडियो पॉज करके आराम से। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ। हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि dx अपॉन में dx निकालो, मतलब x को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सिंपल सी बात। अगर मैं कहूँ कि y को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, आपको dy ओवर dx ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है। अगर कॉन्स्टेंट होता तो आपको क्या मिलता, 0 मिलता। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। जब आप x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, जब y को करोगे तो आपको dy ओवर dx मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड क्या मिलेगा, 2x को करो, चलो पर लिख देता हूँ मैं 2dy dx, जो भी यहाँ पे है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू dy ओवर dx, डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, x के रिस्पेक्ट में 2 होगा, और प्लस का प्लस, 3 का 3, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ, डी वाई ओवर डी एक्स होगा। तो यहाँ पे डी वाई ओवर में डी एक्स लिख दो, इक्वल टू में साइन एक्स का क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख दिया हमने। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में डाउट होगा, भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कॉन्स्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब वाई वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अगर बाकी कुछ यहाँ पे होता है, ए बी सी डी होता, तो वो भी कॉन्स्टेंट होता, बस आपका वाई और एक्स ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, डी वाई ओवर डी एक्स रहने दो इस साइड, और बाकी सब उस साइड ले जाओ। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x माइनस 2। तो यहाँ से मुझे dy ओवर dx की वैल्यू क्या मिल रही है, cos x माइनस 2 अपॉन में 3। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ऐसे करना था। ओके okay?